IPL 2021 की ऑक्शन हमको अगले एक दो महीने में होते हुए दिख जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बार IPL 2021 के सीजन से पहले हमको एक पूरा मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इस मेगा ऑक्शन में कई सारे होने वाले हैं ऐसे खिलाड़ी जो इस बार पूरी तरह से अनसोल्ड रह सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन 10 खिलाड़ियों के बारे में जो IPL 2021 की मेगा ऑक्शन में पूरी तरह से अनसोल्ड जाते हुए हमको दिख सकते हैं। तो दोस्तों इन 10 के 10 खिलाड़ियों के बारे में एकदम सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों अगर हम इस लिस्ट में सबसे पहले बात करें 10वें नंबर के खिलाड़ी के बारे में, तो दोस्तों 10वें नंबर पर नाम आता है डेल स्टेन का। दोस्तों डेल स्टेन वैसे तो एक समय के विश्व के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर माने जाते थे, लेकिन दोस्तों IPL 2020 में हमको डेल स्टेन पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म में दिखे हैं। ना तो दोस्तों डेल स्टेन पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी कर पा रहे थे, ना वो डेथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे। मतलब दोस्तों डेल स्टेन हमको वैसे गेंदबाज लगे ही नहीं जिनको हम एक समय पर पूरे हर रोज देखा करते थे। दोस्तों दिक्कत सबसे बड़ी एक ये है कि अगले IPL तक डेल स्टेन को इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेलने वाले कि वो अपनी फॉर्म को वापस ला सके। और साथ ही साथ दोस्तों डेल स्टेन का जो बेस प्राइस है वह अभी 2 करोड़ रुपए है, और मुझे नहीं लगता कि IPL 2021 की नीलामी में 2 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत में डेल स्टेन को कोई खरीदार मिलने वाला। और डेल स्टेन हमको इस IPL के ऑक्शन में पूरी तरह से अनसोल्ड जाते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम इस लिस्ट में बात करें 9वें खिलाड़ी के बारे में, तो दोस्तों 9वें नंबर पर नाम आता है मुरली विजय का। दोस्तों मुरली विजय भी IPL के स्टार्टिंग डेज में एज अ बल्लेबाज बड़े ही खतरनाक माने जाते रहे। याद है दोस्तों मुझे कि साल 2010, 11, 12 के जो ये सीजन्स थे वहाँ मुरली विजय हमको T20 में भी एक अलग ही तरह के बल्लेबाज दिखते थे। लेकिन दोस्तों अब जो हमको T20 क्रिकेट में मुरली विजय का जो गेम दिखता है वो दोस्तों कोई ज़्यादा सराहनीय नहीं दिखता है। टेस्ट क्रिकेट को ही दोस्तों अब मुरली विजय ज़्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों IPL 2020 भी हम देखें, 19 भी देखें, वहाँ पर भी दोस्तों जो मुरली विजय का जो गेम है, जो मुरली विजय की फॉर्म है, वो हमको IPL में ज़रा से भी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखी है। और दोस्तों इसी वजह से मुरली विजय भी IPL 2021 की ऑक्शन में अनसोल्ड रहते हुए हमको दिख सकते हैं। और मुरली विजय हो सकते हैं वह 9वें खिलाड़ी जो IPL 2021 के ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम इस लिस्ट में बात करें 8वें नंबर के खिलाड़ी के बारे में, तो दोस्तों 8वें नंबर पर नाम आता है पीयूष चावला का। दोस्तों पीयूष चावला भी एक समय के भारतीय क्रिकेट के भी साथ ही साथ IPL के भी बड़े ही खतरनाक खिलाड़ी माने जाते थे। मतलब बड़े ही जबरदस्त लेग स्पिन गेंदबाज इनको माना जाता था। पिछले साल तक भी दोस्तों IPL की ऑक्शन में भी इनका जो रेट है, इनका जो प्राइस है, वो काफ़ी महंगा होता था। मतलब कुछ मुझे याद है 7.2 करोड़ रुपीज़ समथिंग में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने IPL 2020 की ऑक्शन में इनको ख़रीदा था। लेकिन दोस्तों अब जो इनके साथ एक और दिक्कत हो गई है वो दोस्तों है इनकी फिटनेस। इनकी फिटनेस भी दोस्तों अब कोई ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और दोस्तों इनकी फिटनेस ठीक नहीं है, तो दोस्तों इसी वजह से फील्डिंग में भी ज़्यादा अच्छा साथ नहीं दे पाते। और इनकी जो बॉलिंग में जो फॉर्म है वो भी हमको काफ़ी ज़्यादा डाउन से नज़र आती है। और दोस्तों इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पीयूष चावला भी IPL 2021 के ऑक्शन में अनसोल्ड रह जाए। तो दोस्तों अब अगर हम इस लिस्ट में बात करें 7वें नंबर के खिलाड़ी के बारे में, तो दोस्तों 7वें नंबर पर नाम आता है एलेक्स कैरी का। दोस्तों एलेक्स कैरी अब इस समय तो ऑस्ट्रेलिया के तो बिल्कुल रेगुलर विकेट कीपर बल्लेबाज बन चुके हैं। दोस्तों एलेक्स कैरी को पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा था, मात्र 2-3 मैचेस इन्होंने खेले थे। लेकिन दोस्तों एलेक्स कैरी के साथ दिक्कत ये है कि इनका जो गेम है वो दोस्तों IPL जैसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए, या फिर अगर आप सिंपल T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट के भी हिसाब से बात करें, उस तरह का इनका गेम दोस्तों हमको नहीं नज़र आया है। ना वो हमको ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा नज़र आया है, ना वो हमने ना तो एक के दुख की पारियों में ना IPL में देखा है। दोस्तों एलेक्स कैरी की जो स्ट्राइक रेट है वो भी T20 के हिसाब से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लेस स्ट्राइक रेट की वजह से एलेक्स कैरी को भी कोई खरीदार ना मिले, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम खैर इनको रिलीज ही करेगी, और एलेक्स कैरी भी हमको IPL 2021 की मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों अब
अगर हम इस लिस्ट में बात करें छठे नंबर के खिलाड़ी के बारे में, तो दोस्तों छठे नंबर पर नाम आता है केदार जाधव का। दोस्तों केदार जाधव भी अब अगर बात करें तो पूरी तरह से हमको आउट ऑफ फॉर्म में नज़र आते हैं। भारतीय टीम से भी इनका नाम पूरी तरह से कट चुका है। लगभग 1.5 साल पहले तक तो दोस्तों ये भारतीय टीम का बिल्कुल रेगुलर हिस्सा हुआ करते थे। 2 से 2.5 साल पहले की बात करें तो उस समय तो ये T20 टीम में भी हुआ करते थे, लेकिन अब ना तो ये ODI टीम में है ना ये T20 टीम में है। पिछले 2-3 सालों के IPL भी देखे तो इनके कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। मतलब चेन्नई की टीम के लिए तो साल 2018 से ये खेल रहे हैं, हर बार दोस्तों 2-3 मैचों के बाद ये इंजर्ड हो जाते हैं। साल 2020 में ये पूरी तरह से पूरे IPL में चेन्नई के लिए अवेलेबल थे, लेकिन वहाँ पर इनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा बुरा रहा था। इनको जो भी रोल दिया गया था उस रोल पर दोस्तों ये खड़े नहीं हो पा रहे थे, और इसी वजह से पुअर फिटनेस की वजह से भी, आउट ऑफ फॉर्म की वजह से भी इसके बहुत चांसेस है कि केदार जाधव IPL 2021 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रह जाए। तो दोस्तों अब अगर हम इस लिस्ट में बात करें 5वें नंबर के खिलाड़ी के बारे में, तो दोस्तों 5वें नंबर पर नाम आता है शेल्डन कॉटरेल का। दोस्तों शेल्डन कॉटरेल को साल 2020 की ऑक्शन में किंग्स 11 पंजाब की टीम ने लगभग कुछ 8-8.5 करोड़ रुपए की कीमत में खरीदा था। लेकिन दोस्तों शेल्डन कॉटरेल को खरीदने के पीछे पंजाब की टीम का मकसद ये था कि ये डेथ में भी इनके लिए अच्छी गेंदबाजी करेंगे, पावर प्ले में भी इनको विकेट्स निकाल कर देंगे, लेकिन ये अपने रोल पर बिल्कुल भी खड़े नहीं उतर पाए। ना तो ये पावर प्ले में कुछ ज़्यादा कर पाए, और डेथ में तो दोस्तों मतलब इन्होंने इतने छक्के खा लिए जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे याद है दोस्तों राहुल टेबटिया से तो ये 1 ओवर में बिल्कुल 5 छक्के खा गए थे। मतलब दोस्तों ना तो ये डेथ में अच्छी गेंदबाजी कर पाते हैं, ना वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए भी ये डेथ में इनका कुछ ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। इसी वजह से दोस्तों शेल्डन कॉटरेल भी हमको इस IPL की ऑक्शन में अनसोल्ड रहते हुए दिखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये मेगा ऑक्शन है, यहाँ पर सभी टीमों के खतरनाक फास्ट बॉलर्स अवेलेबल होंगे। शेल्डन कॉटरेल को कोई ज़्यादा टीम प्रेफरेंस नहीं देगी, और इसी वजह से शेल्डन कॉटरेल भी इस IPL के ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम इस लिस्ट में बात करें 4थे नंबर के खिलाड़ी के बारे में, तो दोस्तों 4थे नंबर पर नाम आता है एंड्रयू टाई का। दोस्तों एंड्रयू टाई साल 2018 IPL के पंजाब की टीम के लिए पर्पल कैप विनर थे, लेकिन दोस्तों उसके ठीक बाद इनकी फॉर्म हमको बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। ना साल 2019 में इनका कुछ ज़्यादा खास प्रदर्शन था, साल 2020 में राजस्थान की टीम में थे, कोई भी ज़्यादा गेंदबाजी का प्रदर्शन दोस्तों इनसे नहीं दिखा था। मतलब दोस्तों जहाँ पर भी ये क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड्रयू टाई में हमको फॉर्म है, जो इनकी पहले जो हमको फॉर्म दिखती थी वो अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। इनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी थी, जो इनका स्ट्राइक रेट था, वो भी दोस्तों इनका काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और इसी वजह से आउट ऑफ फॉर्म में रहने की वजह से साल 2021 के मेगा ऑक्शन में एंड्रयू टाई भी हम कंसोल्ड रहते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम इस लिस्ट में बात करें 3रे नंबर के खिलाड़ी के बारे में, तो दोस्तों 3रे नंबर पर नाम आता है उमेश यादव का। दोस्तों उमेश यादव के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दोस्तों ये है कि इनकी जो लाइन एंड लेंथ है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रहती है, चाहे वो भारतीय टीम की बात करें चाहे हम IPL में बात करें। दोस्तों जो इनकी गेंदबाजी करते हुए जो इनकी लाइन है, जो लेंथ है, वो मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ती है। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा महंगे भी रहते हैं। इनकी डेथ में तो दोस्तों मतलब डेथ में तो ये इनसे गेंदबाजी कोई करवा ही नहीं सकता, मतलब ऐसी इनकी लाइन एंड लेंथ है। इसी वजह से दोस्तों इनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि साल 2021 के मेगा ऑक्शन में उमेश यादव भी अनसोल्ड रह जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, क्योंकि भारतीय टीम के भी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट से बाहर रहते हैं। RCB के लिए भी पिछले 3 सालों में इन्होंने कुछ ज़्यादा खास प्रदर्शन किया नहीं है। साल 2018 के IPL में RCB की टीम के लिए एक हीरो थे, लेकिन दोस्तों इसके अगले 2 साल इनके बहुत ज़्यादा खराब रहे हैं, और दोस्तों इसी वजह से उमेश यादव भी साल 2021 की मेगा ऑक्शन में हमको अनसोल्ड रहते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम इस लिस्ट में बात करें 2रे नंबर के खिलाड़ी के बारे में, तो दोस्तों 2रे नंबर पर नाम आता है जयदेव उनादकट का। दोस्तों पिछले 3-4 सालों के बारे में बात करें तो पिछले 3-4 सालों की ऑक्शन में तो जयदेव उनादकट बड़े बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं। पिछले 3 सालों में तो यह वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स की लिस्ट में भी थे, लेकिन दोस्तों जो इनकी फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा बुरी रही है। साल 2020 में तो ये बहुत ज़्यादा महंगे रहे हैं, साथ ही साथ इनकी फॉर्म भी बहुत ज़्यादा बुरी रही है, और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इन्होंने कुछ ज़्यादा खास प्रदर्शन किया नहीं है,
और साल 2021 की मेगा ऑक्शन में इनके भी अनसोल्ड रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो दोस्तों अब अगर हम इस लिस्ट में बात करें पहले नंबर के खिलाड़ी के बारे में, तो दोस्तों पहले नंबर पर नाम आता है रॉबिन उथप्पा का। दोस्तों रॉबिन उथप्पा के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दोस्तों ये है कि अब इनको टीमें मिडल ऑर्डर में ज़्यादा खिला नहीं सकती, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से केकेआर की टीम इनको मिडल ऑर्डर में खिला रही थी, वहाँ इनका ज़्यादा प्रदर्शन नहीं आया, इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा लो था। पिछले साल राजस्थान रॉयल्स की टीम इनको आधे से ज़्यादा सीज़न में तो टेस्ट करती हुई रह गई, कभी इनको नंबर 4 पर खिला रहे थे, कभी इनको 5 पर खिला रहे थे, मिडल ऑर्डर में तो दोस्तों ये बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। जब दोस्तों आधे IPL के बाद इनको ओपनिंग पर भेजा गया, तब दोस्तों इनका जो टच है वो हमको थोड़ा बहुत फिर से नज़र आया। लेकिन दोस्तों रॉबिन उथप्पा के साथ हर IPL के आते आते सीज़न में जो इनकी फिटनेस है, जो इनकी फॉर्म है, वो लगातार बहुत ज़्यादा नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। सभी टीमों के पास दोस्तों अच्छे ओपनर्स मौजूद है, मतलब इनको ओपनिंग के अलावा दोस्तों आप कहीं और नहीं खिला सकते। और अगर कोई प्लेयर आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है, तब दोस्तों उसके भी अनसोल्ड रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रॉबिन उथप्पा के भी दोस्तों अनसोल्ड रहने के चांसेस इस बार काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं, और इसी वजह से यह होने वाले हैं नंबर 1 पर वह खिलाड़ी जो इस IPL के ऑक्शन में हमको अनसोल्ड रहते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर्स इस साल अनसोल्ड रह सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।